नमस्कार दोस्तों, हिंदी जन कल्चर में आप लोग स्वागत है। दोस्तों गाइस, आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, आप लोग मेरे 10,000 कंप्लीट कर दिए सब्सक्राइबर का। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, फोटो कैसे एडिट करें। गाइस गाइस, वीडियो स्टार्ट करने पर बता दूँ, अगर आप लोग मेरे हिंदी जन कल्चर नए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे हिंदी जन कल्चर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगर वीडियो अपलोड करूँगा आप देखने में। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अपने पीसी सेटअप को ओपन कर लेना है। उसको गाइस यहाँ पे ब्लैंक पेज एक ओपन कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो ट्रांसपेरेंट मैंने पेज ओपन कर लिया। फिर गाइस, जो सबसे पहले बात आती है, इसका सबसे पहले जो इसका साइज हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस, सबसे पहले आते हैं बैकग्राउंड एडिट करने। गाइस, तो सबसे पहले यहाँ मैं बैकग्राउंड अपना एडिट करूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह बैकग्राउंड एडिट करूँगा। गाइस, आप लोग देख सकते हैं। फिर गाइस, यहाँ पे एक और ऐड इमेज करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, फिर गाइस इसको हम लोग क्रॉप करेंगे अपने हिसाब से। फिर गाइस इसे हम लोग इरेज करेंगे उसको, पहले अभी इसको अपने हिसाब से ऑपेसिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप सीडी तब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इरेज टूल का हम साइज का जो कर लेंगे, हार्डनेस इसका हम पूरा कम कर लेंगे। फिर गाइस देख सकते हैं इस तरह कुछ एडिट मतलब इरेज करेंगे अपने जो एड इमेज किया है उसको, जैसे आपस में दोनों मैच कर जाएगा। इस अभी इसे भी हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, इसको जैसे इरेज करने में थोड़ा आसानी होगी। गाइस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी हमने साइज बढ़ा लिया है और इसका जो हार्डनेस है वो कम कर लिया है। गाइस, फिर देख सकते हैं हम जैसे कि दोनों इरेज कर दिए हैं। गाइस, और फिर गाइस यहाँ पे आपको चेयर बैठाना है, जैसे कि यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ नीचे रख दिया है। फिर गाइस अब जो आते हैं बात है, देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने मॉडल को ऐड करेंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एडजस्ट करना। गाइस, यहाँ बड़े से एडजस्ट करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने एडजस्ट कर लिया। फिर गाइस हम देख सकते हैं इफेक्ट, इफेक्ट में जाने के बाद गाइस इफेक्ट्स आप देख रहे हैं। गाइस, इस पर SDR2 अप्लाई करेंगे। गाइस, फिर यहाँ पे इरेज टूल की मदद से जो आपके बॉडी पे इफेक्ट आ गया है गाइस, उसे हम लोग इरेज करेंगे। गाइस, जैसे हम देख सकते हैं इस तरह से गाइस हम लोग इरेज कर लेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं जितना बॉडी पे रहेगा उसे हम लोग इरेज कर लेंगे। इससे गाइस यह तो यहाँ लोग जो हम लोग कपड़े हैं तो उसे चमक आ जाती है। गाइस, सेव कर लेंगे। गाइस, गाइस यहाँ सेव करने के बाद फिर गाइस नीचे हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। गाइस, ठीक है, ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर फोटो की सेव कर लेंगे। गाइस, तो फोटो सेव करने के बाद गाइस हम फिर चल जाएंगे अपने लाइटरूम ऐप में, फोटो को ओपन कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर और फिर से ऑटो इफेक्ट डाल देंगे। फिर आप लोग नीचे देखिए ब्राइटनेस आइकॉन पे हम लोग क्लिक करेंगे। गाइस, इसमें यहाँ से हम ब्लैक थोड़ा कम कर लेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं वाइट भी थोड़ा कम कर लेंगे। एक्सपोजर आप अपने हिसाब से रखिएगा, घटाना बढ़ाना जो रहेगा। फिर यहाँ पर टेम्परेचर का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसका सेचुरेशन हमने थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, घटा लेना है। और फिर मिक्स टूल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें रेड वाला जो है उसका हम सेचुरेशन देख सकते हैं, ऑरेंज वाला भी देख सकते हैं इसका सेचुरेशन कितना कम करना क्या हो जा रहा है। जैसे गाइस आप अपने फोटो के हिसाब से इसको घटाना बढ़ाना चाहिए। गाइस, जैसे दूसरे को देख के कॉपी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई और कपड़ा पहना है और आपने इस कलर को एडजस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो नहीं एडजस्ट होगा। गाइस, तो इसलिए जैसे कि आप अपने कपड़े के हिसाब से उसको एडजस्ट कराइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू मैंने पूरा इसका सेचुरेशन घटा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ब्लू थोड़ा सा बढ़ा लिया है इसका। आप ये देख सकते हैं स्काई ब्लू है। इसके अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा बढ़िया से। गाइस, आप देख सकते हैं दोनों को घटा दिया हमने, उसका रेड जो है ऑरेंज उसको घटाने से क्या हो जा रहा है। आप देख सकते हैं आप सेचुरेशन का कितना है, और ये आपका है पिंक कलर है जो गाइस देख सकते हैं इसका इतना कलर। उससे नीचे आपको देख रहे हैं ऑप्शन एक इस वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना। गाइस, नीचे आप देख सकते हैं इसका जो वाइब्रेशन है उसको हम कम कर लेंगे, विंटेज जो है इसको कम कर लेंगे। गाइस, उससे आप देख रहे थे टेक्स्चर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। गाइस, और क्लैरिटी है इसको थोड़ा हम घटा लेंगे। गाइस, अपने हिसाब से आप इस अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कराइएगा। गाइस,
अब फोटो में गाइस अब इसको इतना करने बाद सेव कर लेंगे। फिर गाइस हम अपने पीसीआर टाइप में आ जाएंगे। फिर गाइस यहाँ पर हम ऐड इमेज करेंगे गाइस, जो इमेज छुटा रहेगा उसे हम लोग ऐड करेंगे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ये एक तरह से है, जैसे फोकस मारा हुआ देख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग बढ़िया से एडजस्ट करेंगे गाइस। उसको से यहाँ पे 10 के है गाइस, इसको हम ऐड करेंगे। मैंने पहले से इसको टेक्स्ट करके रखा है गाइस, उसको से इसको बढ़िया से एडजस्ट कराएंगे गाइस। छोटा लग रहा है इसको हमें बढ़िया से एडजस्ट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ हेड पे मेरा आ गया, तो उसे हम लोग इरेज कर लेंगे गाइस। जैसे यहाँ पे हल्के हल्के ब्रश लेकर हम इरेज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पता लग रहा है जैसे हम लोग पीछे फोटो का पीछे ऐड किया गया है गाइस, इसको हम इरेज कर लेंगे। गाइस इरेज करने बाद गाइस इसको हम सेव कर लेंगे। फिर गाइस आप देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। फिर हम लोग ऐड इमेज करेंगे गाइस। फिर यहाँ पे एक मैंने एक पीएनजी और बना कर रखा है गाइस, जो आप देख सकते हैं ये थैंक यू वाला है, इसे हम लोग ऐड करेंगे गाइस। देख सकते हैं इसे हम लोग ऐड कर लेंगे गाइस। फिर इसको गाइस हम लोग एडजस्ट करेंगे बढ़िया से। इसको बढ़िया से एडजस्ट करना है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पे एक और ऐड इमेज कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि पता चले किस चीज़ के लिए आप लोग मतलब बोल रहे हैं थैंक यू, तो जैसे यूट्यूब का लोगो लगा देंगे, जैसे कि पता चल जाएगा कि आप यूट्यूब के लिए मतलब आपकी यूट्यूब की 10,000 की फैमिली तैयार हो गई है गाइस। इसको भी बढ़िया से हम लोग एडजस्ट करेंगे गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं। फिर गाइस देख सकते हैं अगर बढ़िया से आपकी फोटो ऐड अच्छा से हो गया है, फिर गाइस हम लोग फोटो को सेव करेंगे। सेव करने बस गाइस हम फिर यहाँ पर जाएंगे नीचे ड्रॉ टूल में गाइस। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉ टूल पे, ड्रॉ। फिर गाइस यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे गाइस। इससे ये फायदा होता है गाइस, ड्रॉ टूल में जाकर फोटो सेव करने के तो फोटो आपका फटता नहीं है गाइस। गाइस आगे वीडियो में हम बात नहीं करेंगे गाइस, आप लोग वीडियो देखिएगा कैसे फोटो एडिट हुआ है गाइस। और गाइस आप लोग भी चाहते हैं आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे मैं उस फोटो को एडिट कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख लीजिएगा गाइस। धन्यवाद गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर गाइस आप लोग भी अपना फोटो एडिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और गाइस मुझे इनबॉक्स कीजिए अपना पीसी को, मैं आपका फोटो एडिट करके दे दूँगा गाइस।